हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष यादव। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेड टैगर को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है, ट्रेड टैगर के नए वर्जन लॉन्च होते रहते हैं। जैसे और जब भी कोई नया वर्जन लॉन्च होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको एडिशनल मिलता है, ठीक है। जब भी नया वर्जन लॉन्च होगा कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे एडिशनल देते हैं। टूल्स हो गए, कुछ इंडिकेटर्स हो गए, या कोई भी नया सेटअप्स हो गया, उस टाइप से आपको यहाँ पे नया वर्जन वहाँ पर लॉन्च होता रहता है। सो अभी ट्रेड टैगर ने नया वर्जन लॉन्च किया, दैट इज़ अ 2.4.2.6.4.5, ठीक है। अब इसमें इन लोगों ने क्या क्या ऐड किया हुआ है, दैट इज़ अ 5, 5 से 6 नए टूल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं। वो सारे टूल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इन डिटेल्स, उनको हमें यूज़ कैसे करना है इंट्राडे के लिए, या आपको उसमें जो भी टूल्स हैं उनको यूज़ कैसे करना है, वो हम लोग सब लोग इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे ये ट्रेड टैगर यूज़ ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये जस्ट मेरा अपडेटेड वर्जन है, और आपको देखना है कैसे कि आपका जो ट्रेड टैगर वो अपडेटेड है या नहीं है। सो आप यहाँ पर देखोगे, ये लिखा होता है 2.6.4.5, ठीक है। ये आपका 2.6.4.5 लिखा हुआ है। अगर आपका 2.6.4.4 वर्जन है, देन आप सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, तो आपका वो नया वर्जन, जो भी पुराना वर्जन है, वो आपका नए वर्जन में चेक हो जाएगा, ठीक है। चलो ऐसा आपको ये करना है। उसके बाद चलो अभी देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स यहाँ पे एक्टिवेट हुए हैं। सो मैं यहाँ पे PPT फाइल ओपन कर ले रहा हूँ, उसके हिसाब से हम लोग एक एक चीज़ को यहाँ पर समझ लेंगे। ओके, सो ट्रेड टाइगर ये आपका लेटेस्ट न्यू फीचर। सो सबसे पहला जो लिस्ट ऑफ न्यू फीचर्स हैं, वो सबसे पहला आपका हुआ है रोहित स्कैन, ठीक है। ये रोहित स्कैन क्या है, सो हम लोग यहाँ पे एक बार चार्ट पे चलते हैं, और आप यहाँ पे देखोगे चार्ट पे जाके जनरली रोहित स्कैनर क्या है, आपको ये मोमेंटम बाइंग और सेलिंग बताता है, क्लियर। सो एक बार मैं यहाँ पे चार्ट पे जाके आपको इंडिकेटर डाल के एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसा दिखता है, ठीक है। सो आप सिंपल स्टडी पे जाएंगे और यहाँ पे आपको तीन टाइप के इंडिकेटर देखेंगे, रोहित लॉन्ग मोमेंटम, रोहित मोमेंटम इंडिकेटर और रोहित शॉर्ट मोमेंटम इंडिकेटर, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन समझनी है, लॉन्ग पोजीशन बनानी है अकॉर्डिंग टू रोहित लॉन्ग मोमेंटम, देन आप रोहित लॉन्ग मोमेंटम आप इसको अप्लाई कर दोगे, ठीक है। और जैसे कि आपने यहाँ पर अप्लाई किया, सो आपके सामने ये आपको बाय, ये आपको रोहित लॉन्ग, सो आपको ये बाय सेल सिग्नल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, सो आप यहाँ पे देखोगे ये जस्ट आपको, ये आपको सेलिंग दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, ये आपको सेलिंग दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, ठीक है। सो जस्ट ये ऑटोमेटिक आपको बाइंग सेलिंग सिग्नल दिखाता रहता है। आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो सो ये आपका, और अगर आपको शॉर्ट पोजिशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, देन आप इसका रोहित मोमेंटम का शॉर्ट यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार इसको वापस से आपको डाल के एक बार दिखाई दे रहा हूँ, रोहित शॉर्ट मोमेंटम आप, ये आपको शॉर्ट ट्रेड बता देगा, ठीक है। ये आपको शॉर्ट मोमेंटम यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक। सो आप इसको सेलिंग के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्लियर। सो ये तो आपको चार्ट को देख के यूज़ करना है, बट इन्होंने इसका एक रेडीमेड वर्जन भी टूल्स अपडेट किया हुआ है, जो आपको ऑटोमेटिक बाय सेल दिखाता रहेगा। आप होम पे क्लिक करोगे, टूल्स पे जाओगे, सो ये आपका एक बटन है रोहित स्कैनर, आप इस पर क्लिक करोगे, सो आपके सामने स्टॉक का लिस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। जैसे कि निफ्टी में कौन से स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग हो रही है, कौन से स्टॉक में जो उसका, जैसे कि अवर्ली टाइम फ्रेम में अदानी पोर्ट का सेल आ रहा, सेल्स आ रहा, तो आप अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे सेलिंग पोजीशन लेके जा सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पे बाय है, वीकली पे सेल है, मंथली पे सेल है, सो किसी भी स्टॉक्स को आपको एक व्यू समझना है, देन आप अवर्ली, डेली, वीकली एंड मंथली पे आप जाके रोहित स्कैनर जो भी आपको यहाँ पे अपडेट देगा, उस हिसाब से वन क्लिक में आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। सो ये सारा कुछ निफ्टी में यहाँ पे आ रहा है, और आपको और भी देखना है तो यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, आप जाके यहाँ पे बिग ट्रेड लिस्ट आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, जो फ्यू फ्यूचर ऑप्शंस के स्टॉक्स हैं। सो वहाँ पे भी आपको एक व्यू समझ में आ जाएगा अवर्ली, डेली, वीकली, मंथली कैसा का है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इस इंडिकेटर यूज़ करके रेडीमेड बाय सेल सिग्नल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। सो जस्ट इन केस, सीधा सा मतलब है कि आपको रोहित स्कैनर टूल्स जो है वो आपको रेडीमेड बाय सेल सिग्नल देता है, ठीक है। आप रोहित स्कैनर के हिसाब से चूज कर सकते हो स्टॉक्स, बाकी आपका जो भी सेटअप्स है उसके साथ आप मैच करके, मिक्स एंड मैच करके आप हाई प्रोबेबल अपॉर्चुनिटी मार्केट में देख सकते हो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ये फर्स्ट मैंने आपको समझाया रोहित स्कैनर के बारे में, ये आपको टूल्स में ही मिल जाएगा और ये रेडीमेड स्कैनर अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, दूसरा आपका यहाँ पर रोहित स्कैन के बारे में आपको मैंने बता दिया, दूसरा टूल्स आपका यहाँ पे अवेलेबल है इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट, ये आपको ओपन इंटरेस्ट का भी आपको यहाँ पे
इंडिकेटर आया हुआ है जो आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में यहाँ पे बताएगा, ठीक है। सो मैं इसको एक बार ओपन इंटरेस्ट का भी इंडिकेटर्स है वो भी आपको मैं ऐड कर दे रहा हूँ। आप सिंपल स्टडी में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक नया बटन दिखेगा, दैट इज द ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट, ये ओपन इंटरेस्ट ये आपको लाइव चलता है, ठीक है। बहुत लोग ओपन इंटरेस्ट यूज़ करते हैं, तो आप इसको यूज़ करके आपको ये यहाँ पे आपको ये लाइव लाइव यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं। अब मे भी कुछ इशू चल रहा है अभी इसके साथ, सो अभी यहाँ पे ये सिग्नल्स नहीं आ पा रहे हैं, बट आप यहाँ पर जैसे कि स्लाइड्स में देखोगे, सो आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने रोहित स्कैन का इसका आपको, और यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ से भी आप बाय सेल कर सकते हो, और ये आपका ओपन इंटरेस्ट का टूल है। सो आपको इस तरीके से ये दिखाई देगा, हालांकि अभी जस्ट अपडेटेड हुआ है, सो मे बी यहाँ पे नहीं, और सैटरडे भी दैट इज नॉट आपको मार्केट बराबर नहीं, बट आप मंडे को यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइंस दिखेंगे ओपन इंटरेस्ट को लेकर, जैसे कि आपको इस पीपीटी में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो ये आपको बहुत सारे लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ओपन इंटरेस्ट घट रहा बढ़ रहा, वो आपको यहाँ पे दैट इज अ लाइव डेटा, आपको ये लाइव डेटा दिखाई देगा, ठीक है। और ये जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट में क्या होता है डिलेड होता है, बट यहाँ पे डिलेड नहीं है, ये आपको लाइव ओपन इंटरेस्ट दिखाया किसी भी स्टॉक्स बैंक निफ्टी किसी भी ओपन इंटरेस्ट किसी भी ऑप्शंस का, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है जो ओपन इंटरेस्ट को लेके आप लाइव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देख पाओगे। ये आप यहाँ पे अभी जस्ट अपडेटेड नहीं हो रहा, नहीं तो आपको दिखाता मैं, आप मंडे यूज करोगे देन दिट विल फ्रेश और आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। सो ये इसका नेक्स्ट है, आपको ओपन इंटरेस्ट स्टडी आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर। सो तीसरा आपका यहाँ पे है कस्टम टाइम फ्रेम। प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप यहाँ पे जो टूल्स अवेलेबल, यहाँ पे जो टाइम फ्रेम अवेलेबल है, ये आप टाइम फ्रेम यहाँ पे देखोगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे टाइम फ्रेम बार बार आ, जैसे जैसे कि मान लो मैंने मुझे 125 मिनट देखना है टाइम फ्रेम, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने 125 मिनट्स डाला, ठीक है, बट ये यहाँ पे सेट नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर जो जो इंटरवल्स हैं वो सिर्फ आपको 3 मिनट्स 5 मिनट 10 15 75 5, ये टाइम फ्रेम है, आप इसमें जो भी टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहो। बहुत लोग 120 मिनट्स यूज़ करते हैं, बहुत लोग 240 मिनट्स 75 मिनट 60 मिनट 20 मिनट्स यूज़ करते हैं, बट उनको प्रॉब्लम होती है बार बार आप 20 सिलेक्ट करोगे फिर डालोगे तो थोड़ा सा रहता है कि बार बार मुझे टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। सो अभी क्या है, आप सिर्फ जैसे कि आपको 20 मिनट यहाँ पर सेट करना है, आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जब आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो यहाँ पर 20 मिनट्स नहीं है, अगर आपको यहाँ पर 20 मिनट्स सेट करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, जैसे कि आपको 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम नहीं देखना है, ठीक है, जैसे कि आपको 75 मिनट देखना है, तो आप इसको रिप्लेस कर दोगे 20 मिनट से। सो आप देखोगे कि आपका यहाँ पर विंडो में आपको ये 20 मिनट्स आ गया, सो आप इसको डिफॉल्ट सेट कर सकते हो 20 मिनट्स आपका ये, फिर आपको बार बार सेट नहीं करना, आपने एक बार डाल दिया तो आपका 20 मिनट्स आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। सो दैट इज अ गुड, आप कोई भी टाइम फ्रेम आपके हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो और इनिशियल लेवल पे आप यहाँ पे तुरंत तुरंत देख सकते हो, ठीक है। सो आपका ये इंटरवल का हो गया, आप कोई भी टाइम फ्रेम यहाँ पे कस्टम टाइम फ्रेम कोई भी यूज कर सकते हो, आपको यहाँ पर पीपीटी में दिखाया भी गया है कैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। दूसरा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज अ बहुत लोगों का डिमांड था कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाईज के टूल्स अवेलेबल नहीं है रेक्टेक, सो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के टूल्स भी अवेलेबल हैं, अभी आप इसको जाके वहाँ पे देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी क्या था ट्रेड टेक में, डिमांड एंड सप्लाईज के टूल अवेलेबल थे ओनली फॉर स्टूडेंट्स, उन्होंने यहाँ पे इग्नाइट का कोर्स लिया होता उनको अवेलेबल थे, बट अभी क्या है ये आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप अवेलेबल हैं ऑल ट्रेड टेक, किसी भी ट्रेड टेक अगर आप इसको यूज़ करोगे आपको आपको टूल्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग्स पे और ये रेक्टेंगल बॉक्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाईज के टूल्स यहाँ पे आपके जो भी जैसे भी लेवल्स है आप यहाँ पे आके बना सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से लेके सप्लाई सप्लाई के लिए आप ये डिमांड एंड सप्लाई जो भी टूल्स हैं आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। जनरली अभी ये नई सर्टिफिकेट है बट अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सो आप डिमांड एंड सप्लाई के भी टूल्स यहाँ पे बना सकते हो, क्लियर। सो ये फीचर्स हैं, रेक्टेंगल बॉक्स, सिंपल रोल ओवर का भी फीचर अवेलेबल हुआ है डिमांड एंड सप्लाई का, बट ये बहुत सिंपल रोल ओवर, उसमें क्या है अभी पोजिशन आप जाओगे यहाँ पे, ठीक है, आपने जैसे फरवरी मंथ का कोई भी पोजिशन लिया हुआ है फ्यूचर्स में, ये फ्यूचर्स ऑप्शंस के लिए, ये सॉरी फ्यूचर्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप जस्ट आपको आपको रोल ओवर करना है, आपने फरवरी का ऑप्शन फ्यूचर लिया हुआ है आपको रोल ओवर करना है, जस्ट आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करोगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाई देगा आपको, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन इंट्रोड्यूस होगा दैट इज अ रोल ओवर, आप जस्ट इमीडिएट आप तुरंत वहाँ पे रोल ओवर कर सकते हो इन अ क्लिक, ठीक है, वहाँ पे आप सिंपल रोल ओवर कर सकते हो, क्लियर। सो ये सारे फीचर्स अवेलेबल थे। एक और मर्ज कैंडल का फीचर है, मर्ज कैंडल ओपन क्लोज, ठीक है, आप चार्ट डेटा में जाके कैंडल्स को भी मर्ज कर सकते हो, जैसे कि बहुत लोगों को होता है कि सुबह का कैंडल 9:15 AM का कैंडल्स है वो आपको 9:07 पे मर्ज करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये फीचर्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप जाके डेटा सेटिंग्स में जाके आप कैंडल्स को मर्ज भी कर सकते हो। ये आप जाओगे ग्राफ सेटिंग्स
और यहाँ पे अवेलेबल है चार्ट डेटा, ये आप देखिएगा मर्ज फाइनल क्लोज टू द लास्ट कैंडल, ठीक है। ये आप इसको यहाँ पे मर्ज करके आपके हिसाब से देख सकते हो। बाकी बहुत ज़्यादा यूज़ मैं इसका मुझे नहीं पता है इसका मर्ज कैंडल का यूज़ क्या है, बट जनरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी ओपन इंटरेस्ट का बहुत यूज़फुल टूल्स है, डिमांड एंड सप्लाई का टूल्स है, चेंज इंटरवल का टूल्स है, ये बहुत अच्छा टूल्स है जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक। सो आप इसके हिसाब से यहाँ पर देख सकते हो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई हो। अगर आप ट्रेड टैगर यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन इंटरेस्ट का डाटा तो बहुत अमेजिंग है, लाइव डाटा बहुत सारी इस वेबसाइट में नहीं मिलता है, या आप अगर एनएससी में भी जाकर देखोगे ना तो वहाँ पर भी कुछ डिलेड होता है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको यहाँ पर लाइव ओपन इंटरेस्ट से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होने वाला है, ठीक है। सो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई, वीडियोज़ आपको अच्छा लगा प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा। और इवन अगर आप ट्रेड टैगर आपके पास नहीं है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, देन आप लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करके नाम नंबर डाल के अपना डीमैट अकाउंट वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। विदाउट एनी चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन होता है, और ट्रेड टैगर सॉफ्टवेयर आपको आपके लिए आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।